पापा की नई कार। आज छुट्टी का दिन था। गट्टू चिंकी और मम्मी पापा साथ में बैठकर पुरानी एल्बम देख रहे थे। ये एल्बम कितनी पुरानी है, मैं और पापा इसमें कितने यंग लग रहे हैं और तुम दोनों कितने छोटे छोटे थे इस टाइम पे। हाँ मम्मी, ओ ये देखो चिंकी, ये रही तुम। तुम तो बिल्कुल लड़का लग रही हो इस पिक्चर में। हाँ गट्टू, और तुम एकदम लड़की लग रहे हो, देखो ना। मम्मी ये तो गलत बात है ना, मैं लड़की और चिंकी लड़का क्यों लगते थे बचपन में? अरे ऐसा इसलिए है गट्टू, क्योंकि चिंकी तुमसे छोटी थी और उसके बाल इतने लंबे नहीं हुए थे, पर तुम्हारे बाल बहुत लंबे थे और तुम बचपन में हेयर कटिंग कराने में बहुत नखरे करते थे। ओ, तो ये बात है। अरे मम्मी ये क्या, ये इतनी अच्छी कार किसकी है? गट्टू बेटा, ये कार तो हमारी ही थी। वाओ, ये कितनी कूल कार है। हाँ गट्टू बेटा, ये उस टाइम की बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी, अब तो शायद आती भी नहीं है। तो पापा, अब हमारी ये कार कहाँ है? हाँ पापा, ये कार कहाँ है? बेटा कई सालों तक हमने इसे यूज किया, लेकिन फिर ये बिगड़ गई थी तो हमें इसे हटाना पड़ा। वाह मम्मी, ये सब सुन के कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों, तुम्हारे पापा को और मुझे ये कार बहुत पसंद थी, और पता है तुम दोनों भी रोज शाम को कार से घूमने की जिद करते थे। मम्मी और चिंकी आपस में बात कर रहे थे, पर गट्टू का ध्यान पापा की तरफ जाता है। वो देखता है कि पापा बहुत ध्यान से फोटो में अपनी पुरानी कार को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गट्टू उन्हें बस चुपचाप देखता रहता है। अच्छा चलो, सब लोग अब चलकर खाना खा लो। आओ गट्टू चिंकी, मेरी हेल्प करो आके। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, पर गट्टू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो नेक्स्ट डे स्कूल से आते ही मम्मी से कहता है, मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है, क्यों ना हम पापा के लिए एक नई कार लें? मैंने कल देखा कि वो अपनी पुरानी कार को कितना मिस कर रहे थे। वाह गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। हाँ मैंने भी कल नोटिस किया था, बल्कि मैं तो कब से सोच रही थी कि पापा के लिए नई कार ले लें। तो फिर देर किस बात की, क्यों ना हम आज ही चल के पापा के लिए कार देख के आए। मम्मी मैंने तो कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स भी पता कर लिए हैं अपने दोस्तों से। ठीक है फिर बच्चों, हम शाम को ही चलकर कार देखकर आएंगे। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी मिलकर शोरूम जाके कार फाइनल कर आते हैं। घर पहुंच के गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे, पर मम्मी उन्हें अपनी एक्साइटमेंट को छुपाने को कहती है। अरे गट्टू चिंकी, पापा आने वाले हैं, तुम दोनों अपनी एक्साइटमेंट जरा कम करो, वरना उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। अरे पर क्यों मम्मी, हमें पापा से ये छुपाना ही क्यों है? ओहो चिंकी, हम उन्हें कल सुबह कार आने के बाद सरप्राइज देंगे, है ना मम्मी? हाँ चिंकी, गट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम अभी ही इतने खुश खुश लगेंगे तो पापा को पक्का पता चल जाएगा और फिर वो मजा नहीं रह जाएगा सरप्राइज का, समझी तुम? ओह ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एकदम नॉर्मल बिहेव करूंगी जिससे पापा को शक नहीं होगा। थोड़ी देर में पापा घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह डोरबेल बजती है और पापा गेट खोलने जाते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ये आपकी नई कार की कीज है, लीजिए। जी क्या नई कार? सॉरी, मुझे लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई है, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। नहीं नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है और ना ही गलत एड्रेस है, ये भैया बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और कार की कीज भी बिल्कुल सही इंसान को दे रहे हैं। क्या क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं। सरप्राइज! पापा जल्दी से बाहर जाके अपनी नई कार को देखते हैं और उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। क्या क्या ये सच है, ये हमारी नई कार है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैंने और बच्चों ने मिलकर आपको कार गिफ्ट करने का प्लान बनाया और आपकी खुशी देख के हम समझ गए कि आपको ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है। ओह, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सब मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दोगे, थैंक यू सो मच। तो पापा फिर इसी बात पे एक राइड हो जाए हमारी प्यारी नई कार में। हाँ पापा, चलिए ना एक ड्राइव पे चलते हैं, आज मौसम भी कितना प्यारा है। हाँ हाँ बच्चों बिल्कुल, चलो जल्दी से अपनी नई कार की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अरे पर पहले नाश्ता तो कर लीजिए, फिर आराम से घूमिएगा।
अरे आज नाश्ता हम बाहर करेंगे अपनी नई कार में घूमते घूमते। चलिए चलिए बिल्कुल चलिए, मुझे फिर नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, ये तो अच्छा ही है, आज मेरी छुट्टी। फिर गट्टू और चिंकी जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और पापा सबको लेके वड़ा पाव खिलाने निकल पड़ते हैं। वाह पापा, कितनी स्मूथ चल रही है अपनी नई गाड़ी, मजा ही आ गया इसमें बैठ कर तो। पापा इसमें जल्दी से कुछ सॉन्ग्स प्ले करिए ना, मुझे इसके स्पीकर्स की क्वालिटी देखनी है। हाँ हाँ चिंकी, अभी लो, बताओ कौन सा गाना सुनोगी तुम? रुकिए पापा, मैं प्ले करता हूँ अपना फेवरेट म्यूजिक। वाव, क्या ऑडियो क्वालिटी है, मजा आ गया। और देखो ना, सीट्स भी कितनी कंफर्टेबल है ना? अरे हमारी ये नई कार एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, कोई कमी नहीं है इसमें। वैसे तो नई कार के आने से सभी बहुत खुश थे, पर पापा की खुशी देखने लायक थी। थोड़ी देर में पापा कार रोक के सबके लिए वड़ा पाव लेकर आते हैं। ये लो बच्चों, तुम्हारी नई कार में बैठ के तुम्हारा पहला नाश्ता करो। लाइए पापा। वाव, कितना टेस्टी है ये, और अपनी कार में बैठ के खाने का मजा ही कुछ अलग है। आहा, मजा ही आ गया, बस इस वड़ा पाव से ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है, सुबह सुबह कुछ भी नहीं। सच में अपनी कार में बैठ के वड़ा पाव खाने से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पापा अब से कार से ही हमें स्कूल छोड़ने चलना, वो भी डेली। ठीक है गट्टू, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और हाँ पापा, आप हमें शाम को भी घुमाने ले चलना जैसे बचपन में ले जाते थे। अरे वाह चिंकी, तुम तो अपने बचपन की यादें ताजा करना चाहती हो लगता है। हाँ भाई हाँ, जिसको जिसको जहाँ जाना है मुझे बता दे, अब हम अपनी कार के पूरे मजे लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पापा की बात सुन के सब साथ में हंस पड़ते हैं और फिर अपनी ब्रांड न्यू कार की राइड का मजा लेते हुए घर की तरफ चल पड़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।